दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों आज हम एक और नवीन वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल से संबंधित। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपना नवीन वीडियो ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में। तो कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं इससे संबंधित है आज का वीडियो। ज्ञान संकल्प पोर्टल पे जो हम लॉगिन होके रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें जो है किसी भी विद्यालय को डोनेट कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में या ब्राउज़र जो क्रोम है आपके पास उस पर जाइए, सीधे ज्ञान संकल्प पोर्टल लिखिए और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ज्ञान संकल्प जैसे आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो यानी दान दे सकते हो किसी भी सरकारी विद्यालय को। तो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे या अपने डेस्कटॉप है या मोबाइल से ये इस तरह का काम कर सकते हैं, ज्ञान संकल्प पोर्टल खोल लेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इस तरह है। यहाँ पर 3 डॉट्स जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको रजिस्टर, लॉगिन, होम, अबाउट सब दिए हुए हैं डिटेल, जिसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर और लॉगिन, अगर पहले से लॉगिन होना है यानी कि जिसके रजिस्टर आईडी बनी हुई वो लॉगिन होगा, नहीं तो न्यू यूज़र है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमारे सामने इस तरह का एक निर्देश भी ओपन होगा, वो इस तरह से है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के राज्य के विद्यालय हैं तो सूचना भी है कि कृपया राजस्थान का कोई भी राजकीय विद्यालय यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करें, क्योंकि वो पहले से ही कार्मिक व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करें यानी पर्सनल कार्मिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। डोनेट टू ए स्कूल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमें विद्यालय को डोनेट करना है। ज्ञान संकल्प पोर्टल आंतरिक रूप से शाला दर्पण से ही जुड़ा हुआ है, अतः इसे विद्यालय द्वारा इस पोर्टल से संबंधित समस्त कार्य शाला दर्पण पोर्टल पर हो जाता है, यानी ये शाला दर्पण से लिंक हो रखा है। किसी भी विद्यालय को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, केवल और केवल विद्यालय के कार्मिक व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन ही करें। तो ये मुख्य बात ध्यान देनी है हमें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लिया आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो ये भर लीजिए। इसके बाद आपको करना है नेम इन इंग्लिश, अपना नाम भरिए, ईमेल भरिए, अपना पैन है या आधार कार्ड है या पासपोर्ट है कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, वो आपको डिटेल फिलअप करनी है। जैसे पैन भर लिया तो पैन कार्ड नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर भरिए। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो ये है, इस तरह पैन आधार नंबर भरने के बाद मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी कि अपना ईमेल भरिए, कंफर्म ईमेल दोबारा भरना है वापस। इसके बाद आपको आगे पासवर्ड सेट करने हैं, कंफर्म ईमेल कर दीजिए, आप दोबारा अपना ईमेल डालिए और पासवर्ड करना है। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, जिसमें जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एट दी रेट और मैथमेटिक के नंबर भी होने चाहिए, 1 2 3 जो भी है। तो इस तरह से पासवर्ड सेट कीजिए, उनको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर में, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के दौरान हमारे सामने हमारी एक रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक कर लेंगे ये सारे जो ऑप्शन है फिलअप करने के बाद। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने इस तरह के लिंक भी दिखाई देंगे, जिसमें हम जो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे वहाँ से हमें दिखाई देगा, जिसमें अडॉप्ट ए स्कूल है, होम है, प्रोजेक्ट है, कंट्रीब्यूट टू मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, जिसमें नीचे लिखा हुआ एक ऑप्शन है डोनेट टू ए स्कूल। अब हम डोनेट कैसे करना है वो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो डोनेट करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, डोनेट टू ए स्कूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे और कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। तो डोनेट टू ए स्कूल करेंगे हम। डोनेट टू ए स्कूल करने के लिए आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, डोनेट टू ए स्कूल, यानी जिसमें एक निर्देश भी है कि आपको 50% टैक्स एक्सटेंशन भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80G के तहत, यानी आयकर छूट भी मिलती है डोनेट करने के दौरान। तो सबसे पहले इसमें भी फॉर्म फिलअप करना है, आपकी डिटेल फिलअप करनी है, आप किस स्कूल को देना चाहते हैं उस स्कूल का नाम, टाइप, ब्लॉक सब भरना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने स्कूल चूज कर लीजिए, कौन सा स्कूल लेनी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है, सारा डिटेल फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आगे। तो आगे आपको जैसे ये ऑप्शन दिखाई देंगे, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो मैं फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये फिलअप कर लिया है,
मैंने यहाँ पर भर दिया एलिमेंट्री, सेकेंडरी भी आप ले सकते हैं स्कूल। तो एलिमेंट्री ले ली, डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ब्लॉक ले लिया मैंने, स्कूल भी ले ली। अब आगे की डिटेल हमें फ़िलअप करनी है। आगे आपको ये फ़िलअप करना है सेलेक्ट नंबर दो ऑप्शन में, जिसमें आपको अमाउंट करना है मिनिमम 100 रुपये से डोनेट करके। आगे आपकी जितनी इच्छा हो आप डोनेट कर सकते हो, अमाउंट भर लीजिए। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी है कि आप मंथली करना चाहते हैं डोनेट, ईयरली करना चाहते हैं, या वन टाइम ही करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट में एक मैसेज भी है, आप ऑप्शनल है, चाहे तो कुछ मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये डिटेल भी फिलअप करनी है। ये एक तरह से फॉर्म ओपन होता रहेगा और आपको फिलअप करते जाना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप जब फिलअप कर लोगे, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, यानी ये डिटेल फिल कर देने के बाद। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट का ऑप्शन भरोगे, उससे पहले अब आपको क्या करना है, यानी कि आप डोनेट कर रहे हो, आपने राशि भी भर ली है, उसके बाद पहले आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और आपके सामने इस तरह की एक रिसिप्ट आएगी, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ मैं इस तरह से, ये डिटेल आएगी जिसमें आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जो लिखा हुआ है आपको प्रोसेस टू पे, ग्रीन लाइन के ऊपर सेलेक्ट जो दिख रहा है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी बनेगी। आप 100 रुपये जैसे पे कर रहे हो किसी स्कूल को, तो ये आपको ऐसा मैसेज दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप SBI ई पे कर सकते हो या बिल डेस्क कर सकते हो। मोस्टली हम SBI यूज़ करते हैं, तो SBI से ही कर लें तो ईजी रहेगा। तो SBI ई पे हम कर लेंगे, और जैसे हम करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ओपन होगा SBI ई पे। अब हमें करना है प्रोसेस टू पे, यानी कि ग्रीन लाइन पे हमें टच करना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप SBI ई पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरह से आपके डिटेल मांगेंगे। आपको जो जो फिलअप करना है वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ इस तरह से, यानी एक समरी आएगी SBI ई पे की, इस तरह से ज्ञान संकल्प पोर्टल से संबंधित पेमेंट डिटेल, आपके ऑर्डर नंबर और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष और जो भी अमाउंट आपने भरा हुआ होगा, ये इस तरह से डिटेल शो हो जाएंगी। ये डिटेल शो होने के बाद अब आपसे मांगेंगे आपके डिटेल आगे की, जिसमें कार्ड नंबर आपको होल्ड करना है, कार्ड नंबर डालना है इसके अंदर, इसके अलावा एक्सपायरी डेट है, वैलिड कितनी है वो डालनी है, ईयर डालना है, CVC नंबर डालने हैं, पीछे के 4 डिजिट जो होते हैं नेम ऑफ द कार्ड होल्डर डालने हैं। इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन आ रहा है पे नाउ, इस पर भी क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले एक बार चेक कर लें आप अपनी जो डिटेल भर रहे हैं वो अच्छे से, कार्ड जो भी है आपके पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो ATM कार्ड होता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लीजिए इजीली, और उसके बाद आप पे पे क्लिक करें। इसके अलावा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI ऑप्शन भी है, आप इससे भी पे कर सकते हो। और जब आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से भरने के बाद, फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और यहाँ से आप पे कर सकते हैं। और आपके पास एक मैसेज भी आएगा, OTP आएगा पहले तो, कि आप पे कर रहे हैं, तो OTP दर्ज कीजिए और इस तरह से आप पे कर सकते हो, डोनेट हो जाएगा। आपके पास एक रसीद आएगी, जिसमें आप रिसिप्ट में देख सकते हो कि आपकी आईडी बन जाएगी, आपने जो कंट्रीब्यूट किया उसका मैसेज भी आएगा आपको मोबाइल के ऊपर। तो इस तरह से आप इजीली तरीके से किसी भी सरकारी स्कूल को डोनेट कर सकते हो। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेट कैसे किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से कार्मिक कैसे डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन को, आगे सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आपको।